हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुमी अलाउत। आप लोगों का स्वागत है सुमी अलाउत यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज बारिश हो रही है इधर, मौसम अच्छा हो रहा है। और आज मैं बना रही हूँ पूड़े चिल्ले, देसी भाषा में बोले तो उसको पूड़े कि हम, और ये पूड़े हैं जो इसको हम अचार के साथ में भी खा सकते हैं और सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। तो आज मैंने इसके साथ में बनाई है खीर। खीर मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई क्योंकि मैंने 2-3 बार इसकी वीडियो डाल दी है। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में। टाइम बहुत हो गया है, 10 के करीब हो गया है शाम का, रात का, और बच्चे होमवर्क वगैरह कर रहे हैं, कुछ कर लिया है कुछ बाकी है। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में और वीडियो को पूरा देखना, देखने के बाद आप लोग लाइक करना, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद आज हमारा स्पेशल मेन्यू डिश है, वे है चिल्ला, देसी भाषा में बोले तो इसके इसको पूड़ा। तो अभी चलिए करते हैं फिर इसको शुरू। टाइम बहुत हो गया है, 10 बज गए हैं रात के। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए है पानी, और 2 टिफिन हमें चाहिए है चीनी। चीनी मैंने ये 2 कटोरी ली है, और आटा मैंने छान के अच्छे से और प्रात में डाल लिया है। और ये मालपुए बनाने की, इसको हिंदी भाषा में बोले तो है ये पूड़े। तो अभी मैं चीनी को अच्छे से घोल लेती हूँ। इस चीनी को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो चीनी मेरी अच्छे से मिक्स हो गई है इसमें, देखो। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ 2 इलायची कूट करके। इलायची डालने से इसमें जो खुशबू है इलायची की बढ़ जाती है। इसको अच्छे से कूट लेते हैं। तो इलायची मैंने अच्छे से कूट ली है। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ इलायची, और जो छिलके हैं इनको मैं कर देती हूँ साइड। इलायची भी अच्छे से मिक्स हो गई है इसमें। अभी मैं डाल देती हूँ इसमें आटा, जो हमें चीनी मिक्स की थी ना, इसमें आटा डाल देते हैं चिल्ले बनाने के लिए। आटा मैंने अभी 1.5 कटोरी ही डाला है, अगर कम पड़ेगा तो मैं बाद में डालूंगी। अभी इसको कर देती हूँ साइड, और आटे को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। चिल्ले के आटे के लिए हमें ना ज्यादा मोटा और नहीं ज्यादा पतला, मीडियम रखना है। कभी आप लोग कर दो इसको जैसे कढ़ी बनाते हैं, ऐसा नहीं करना। खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। हमारी साइड में हरियाणा में इसको ज्यादातर तीज पे बनाते हैं, तीज पे, रक्षाबंधन हुई, तीज हुई, इस त्योहार पे इसको ज्यादा बनाते हैं। पूड़े, सवाड़े, गुलगुले इनको ज्यादा बनाते हैं तीज पे। और आजकल तो सभी है ना, वैसे भी बना लेते हैं, जरूरी नहीं होता, पर तीज पे हमारे जरूरी होते हैं ये गुलगुले, सवाड़े, पूड़ी वगैरह। इसको अच्छे से हमें फैट लेना है बैटर को, देखो। तो इसका ऐसे बैटर बनाना है, ज्यादा पतला नहीं करना है इसको, और नहीं ज्यादा गाढ़ा रखना, मीडियम रखना है। इसमें गुठलियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी दही। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ 2 चम्मच दही बैटर में। दही डालने से इसमें क्या होता है, जो हम पूड़े बनाएंगे वे अच्छे से फूलेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। इसको एक साथ खिलाते रहना है। तो बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है, बन गए। अभी मैं इसको कर देती हूँ साइड में, और इधर मैंने तवा अपना धो लिया, अच्छे से साफ कर लिया है, नहीं दिखा दिया। चढ़ा देती हूँ मैं गैस।
तो हुआ मेरा गरम हो गया है और इधर मैंने ले लिया है तेल, क्योंकि मैं घी नहीं लूंगी, घी की थोड़ी तंगी आ रही है मेरे पास। और तेल है यो मेरा रिफाइंड, तो इस पे लगा देती हूँ मैं पहले थोड़ा सा तेल तवे पे, और आज को कर देती हूँ धीमी। तवे पे तेल लगाने से, घी तेल कुछ भी लगाने से क्या होता है, ये चिपकेगा नहीं अच्छे से, उठने में आसान पड़ेगा हमें उठाने में। तो अभी मैंने ले ली इधर एक छोटी सी कटोरी, और कटोरी को मैं डाल देती हूँ इस बैटर में। और अभी मैं इस पे तवे पे डाल देती हूँ यो पूरा बनने के लिए बैटर, और इसको कटोरी की मदद से धीरे धीरे ऐसे जैसे डोसा बनाते हैं ना, ऐसे कटोरी को हम चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से एक रोटी की तरह तवे पे फैल जाए। जैसे हम डोसा बनाते हैं ना, ऐसे इस कटोरी को हमें आटे पे फैला देना है, आटे को। ऐसे कर देना है इसको, अभी इस पे साइड से लगा देना है हमें तेल, ताकि उठाने में हमें यो आसान पड़े। और थोड़ा है इसके ऊपर लगा देना है और इसको पलट देना है। तो अभी मैंने इसको पलट दिया है, अच्छा कलर आ गया इस पे, और इसको पलट पलट करते रहेंगे और इसको सेकते रहेंगे, पलटे से ऐसे दबाते रहेंगे ताकि ये कच्चा ना रहे। तो अभी मैं इसको पलट देती हूँ, इसको ऐसे पलट पलट करते रहना है ताकि अच्छे से सिक जाए। तो मेरा एक पूड़ा बन के हो गया तैयार, अभी मैं बना लेती हूँ दूसरा भी, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मेरे सभी पूड़े बनके हो गए तैयार, अभी मैं लगा लेती हूँ प्लेट में। और इधर मैंने बनाई है खीर, खीर मैंने आप लोगों से नहीं दिखाई क्योंकि मैंने कई बार खीर बना दी है दो तीन बार, तो ऐसे ही मैंने बनाई है। इसमें थोड़ा नारियल का बुरादा डाला है, इलायची पाउडर डाले और गोले और किशमिश डाली थी। तो अभी मैं इसको प्लेट में लगा लेती हूँ। तो मैंने खीर और चिल्ले बोलते हैं कुछ लोग इसको पूड़े बोलते हैं, तो मैंने प्लेट लगा ली है इसकी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हो आपको एक अगली एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।